अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय सेल्फ आमिर अली जामरी एंड यू आर वाचिंग डिज़ाइनर आमिर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक लोगो बनाने सिखाने वाला हूँ जो कि है होम चैट। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इलस्ट्रेटर खोल लेता हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपको आज ऐसा लोगो बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये आप इसकी नोक देख रही है, होम की तरह है जैसे झोपड़ियाँ वगैरह अक्सर बनी होती हैं या हट्स वगैरह बने होते हैं, और इसे नीचे इसके ये जो है चैट की तरह है। तो मैं आज आपको वही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लेंगे रेक्टेंगल टूल, इसको हम ड्रॉ करेंगे। जितना भी आप बड़ा बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ड्रॉ कर लिया। पहले हम इस साइड वाला बनाएंगे, ये वाला, फिर उसको कॉपी करके यूँ रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो अब देखें, ये इस तरह है पेन टूल बना हुआ है, मैं इसको आपको अलग करके दिखाता हूँ। हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ये देखें। ठीक है, जैसे मैंने इसको ये बनाया है ना, रेक्टेंगल है बिल्कुल, ये भी उसी की तरह ही है। ठीक है, अब देख, ये जो नोक आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम ये बनाते हैं, तो इसलिए हम एड एक्शन पॉइंट उठाते हैं और यहाँ पर जाके एक यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गई, इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे भी ये कुछ ऐसा बना हुआ है, तो इसके लिए भी हमें पॉइंट्स ऐड करनी पड़ेगी। एक ये वाली पॉइंट ऐड करनी पड़ेगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये वाली भी ऐड कर लेते हैं, एक दो और ये तीन। चलिए, ये तो हमारा रेडी हो गया। अब हमें इसको ऊपर कैसे खींचना है और इसको नीचे कैसे खींचना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और जो हमने एंकर पॉइंट डाले थे उसको क्लिक करके, अब हम ये जो अप एंड डाउन एरोज आपको दिख रहे होते हैं कीबोर्ड पर, हम उनको प्रेस करेंगे। इसको मैं अप करता हूँ, ये देखें, ये मैं ऐसा एक बार अब कर रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। अगर मैं शिफ्ट को दबा के अब करूँगा तो अब ये देखें, ठीक है, ये तो लगभग बन चुका है, यहाँ तक काफ़ी है। अब देखिए, यहाँ पे इस मुकाबले में थोड़ा छोटा है, यानी कि ये वाला एरिया हाइट इसकी थोड़ी बड़ी है और ये थोड़ी छोटी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले एंकर पॉइंट को शिफ्ट के साथ दबा के नीचे करेंगे। ये देखें गाइस, ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला ऐसा तो हो गया तक लगभग कंप्लीट, अब ये वाला ऐसा बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो तीन एंकर पॉइंट डाले थे, एक दो तीन, ठीक है, पहले और आखिरी वाले एंकर पॉइंट को हम छोड़ देंगे और बीच वाले एंकर पॉइंट को हम नीचे ड्रैग करेंगे शिफ्ट को दबा के उसी तरह। ठीक है, अब ये देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधा आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को दोबारा क्लिक करने पड़ेगा और शिफ्ट को दबा के लेफ्ट एरो को दबाना पड़ेगा। ये देखें, जब तक कि ये इसके बिल्कुल सीधा ना आ जाए। तो भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखें लगभग एज इट बिल्कुल ये बन चुका है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये देखें, यहाँ पे थोड़ा हाइट हो रही है, तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट को दबा के थोड़ा सा इसको नीचे लाता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो गाइज, ये देखें हमारा जो है होम चैट वाला लगभग रेडी हो चुका है। तो दूसरा बनाने के लिए हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस इसको कॉपी राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। ठीक है, अब ये कॉपी पेस्ट हो चुका है, अब इसको हमें फ्लिप करना है, यानी कि फ्लिप करने का मतलब होता है उसको उल्टा नहीं, यानी कि इस वाली साइड को जो है वो इस तरफ लाना है और इस वाली साइड को इस तरफ लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके ही रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और रिफ्लेक्ट कर देंगे। अब रिफ्लेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल करना है वर्टिकल करना है, हमें वर्टिकल ही करना है जिस एज इट है। हम ये प्रीव्यू देखेंगे, ये देखिए गाइस हो चुका है। कॉपी को नहीं दबाएंगे हम, सिर्फ ओके करेंगे, अगर कॉपी करेंगे तो इसकी दूसरी यानी कि तीसरी कॉपी निकल आएगी, तो इसलिए हम सिर्फ ओके करते हैं और इसको सिलेक्ट करके दोनों को अलाइन कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, अब ये तकरीबन क्या बल्कि बिल्कुल 100% रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा इधर लाएंगे, अब बारी है लिखने की, यानी कि टैगलाइन या स्लोगन लिखने की। अब पहले तो हम इसका नाम लिख लेते हैं, होम
जेट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब नीचे अगर आप स्लोगन देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें मैंने दिया हुआ है स्लोगन, ठीक है। अगर नहीं देना चाहते तो भी आपकी मर्जी है। तो इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, सबसे दोनों को पहले ग्रुप कर लेते हैं और इसको सेंट्रल लाइन कर लेते हैं, इसको भी सेंट्रल लाइन कर लेते हैं। तो दोनों सेंट्रल लाइन हो चुके हैं और इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं यहाँ तक, ठीक है। टी को दबा के या फिर टेक्स्ट टूल को उठा के हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे, यानी कि ये कैरेक्टर पैनल होता है, यहाँ पे ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं इसमें जाएंगे और आल कैप्स में जाके क्लिक करेंगे। अब ये देख रहे हैं आपको स्मॉल कैप्स में दिख रहा है, लेकिन हम जैसे हम आल कैप्स में क्लिक करेंगे तो ये सारे अक्षर जो है वो बड़े हो जाएंगे। तो मुझे ये वाला सिर्फ होम वाले सा जो है बड़े करेक्टर में चाहिए, बाकी जेट वाला छोटे ही करेक्टर में रहे तो बेहतर है। क्लिक करता हूँ, ये हो गया। अब जो है इसका फॉन्ट में चेंज करता हूँ, कौन सा रखूँ फॉन्ट, फॉन्ट चलो ये वाला बेहतर है, ये बोल्ड है, ठीक है बोल्ड है। और इसको हम कर लेते हैं लगभग 160 कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, क्लिक। और इसको सेंट्रल लाइन। तो गाइज ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो है लगभग रेडी हो चुका है, ठीक है। अब स्लोगन अगर आप देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं फ़िलहाल स्लोगन नहीं दे रहा क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब बारी है अब इसमें कलर भरने की, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे आप, इसको कलर जो है आपको आप तीन तरीके से दे सकते हैं। नंबर वन, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जोन सा भी आपको कलर चाहिए आप वो सिलेक्ट करके इसको कलर दे सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप यहाँ से दे सकते हैं, ये देखें, ठीक है। और तीसरा तरीका जो है आप इसको यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखिए स्विचेस नहीं बने हुए, तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपको कलर चाहिए आप वो कलर उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कलर चलो मैं वेब का उठा लेता हूँ, ठीक है। ये वाली कलर पैलेट हमारे पास आ चुकी है। अब इसमें से जो भी कलर आपको देना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कलर दे देंगे। तो मुझे इसको ये वाला कलर देना है और इसी तरह इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ये वाला नहीं मर्ज हो रहा है, ये वाला, तो आई थिंक ये वाला बेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो ये काफ़ी है, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये देख रहे हैं कि आप जब लगभग हमारा तैयार हो चुका है, अब बारी है इस टेक्स्ट को कलर देने की। तो उसी तरीके से या तो आप टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लें या फिर इसकी शॉर्टकट की है टी, इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करें और फिर आपको उठाना है यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल का काम होता है किसी भी कलर को पिक करके जो भी सिलेक्टेड एरिया होता है उस पर कलर दे देता है। तो मैं आई ड्रॉपर को उठा रहा हूँ और इसको ये वाला कलर दे रहा हूँ, ठीक है। और दोबारा टेक्स्ट टूल उठाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, आई ड्रॉपर टूल उठाऊँगा और इसको ये वाला कलर दूँगा थोड़ा सा अपोजिट, ठीक है। तो गाइस ये देख रहे हैं कि ये वाला हमारा रेडी हो चुका है। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर लेता हूँ, अलाइन कर लेता हूँ, इसको भी मैं अलाइन कर लेता हूँ और अब सारे को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ और सेंट्रल लाइन कर लेता हूँ। तो गाइस ये देखें हमारा जो है होम चैट का लोगो लगभग बल्कि लगभग नहीं 100% रेडी हो चुका है, ठीक है। इस पर मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कलर की, होम चैट की, फॉन्ट की वगैरह, या फिर स्लोगन लगाना चाहें तो वो स्लोगन भी आप लगा सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी, जो आप जो भी उसके बाद आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी और समझ में आई कि नहीं। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ अपना हॉनेस्ट रिव्यू लिखिएगा और अगर पसंद भी आई है तो भी अपना हॉनेस्ट रिव्यू लिखिएगा, इससे मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी कि मुझे ये पता चलेगा कि मैं वीडियोज़ कैसी बना रहा हूँ, ऐसी वीडियोज़ में बना रहा हूँ जो कि लोगों को पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ अपना हॉनेस्ट रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मैं मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में।